नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अमेठी में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार की तरफ से जूता, मोजा, ड्रेस, बैग आदि की व्यवस्था कराई जाती है, जिसके लिए अभी तक शासन से विद्यालय प्रबंधन के खाते में पैसा आता था और विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से बच्चों को जूता, मोजा, ड्रेस, बैग इत्यादि चीजें बांटी जाती थी। लेकिन अब इन व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए सरकार की तरफ से सभी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के खाते में आज मुख्यमंत्री की तरफ से हर बच्चे के हिसाब से 1100 रुपए ट्रांसफर किए गए। जिले के सभी बीआरसी कार्यालय पर मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजे गए पैसों का लाइव सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसमें एसएमसी प्रबंधन के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। तो ऐसे में आपको बता दें, अब अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जहां पहले स्कूल की तरफ से बच्चों को ड्रेस दी जाती थी स्कूल की, वहीं अब अभिभावकों के खाते पर सीधा पैसे डाले जाते हैं, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की ड्रेस खुद खरीद सके। और ऐसे में अभिभावकों के खाते में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए जाने के बाद कई अभिभावकों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए मिली। यहाँ पे आई, हमारा बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, जो रहा ड्रेस के लिए, मोजा के लिए, जूता के लिए, उसके खाते में पैसा जाएगा, इसलिए यहाँ देखने आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल ड्रेस और ये सब इसलिए बुलाया गया, खाते में पैसा उनको 1100 रुपये मिलेगा, इसलिए यहाँ देखने के लिए हम आए हैं। बीआरसी पे आज उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय योगी जी के अधीन एक महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल कैश ट्रांसफ़र स्वेटर, जूता, मोजा, बैग के लिए अभिभावकों के खाते में ट्रांसफ़र की आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उसी के लिए आज ऑनलाइन प्रसारण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत के एसएमसी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, अभिभावक और संभ्रांत नागरिक, शिक्षक, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उस प्रसारण को हम लोग विधिवत देख रहे हैं, कैसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे अभिभावकों के खाते में कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है।